दोस्तों भले ही आपको कीड़े मकोड़े असल जिंदगी में पसंद ना आए, लेकिन अगर इन कॉन्सेप्ट पर अगर मूवी बनती है तो वो लोगों को खासा पसंद आती है कीड़े मकोड़े पर। तो आज इस वीडियो में टॉप 5 ऐसी फिल्मों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कीड़े मकोड़ों पर बेस्ड है, जो एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से जरूर देखिएगा, आपको सारी फ्री में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप मूवी और खासकर वेब सीरीज के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 5 पर जो मूवी आती है उसका नाम है द स्वार्म। 2021 में ये मूवी आई थी दोस्तों। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक औरत जो टिड्डों का व्यापार करती है और टिड्डों की संख्या बढ़ती नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए वो अपना खून उन्हें फीड करवाती है जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। तो ये दोस्तों काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी जो होती है सारे टिड्डों को रिहा कर देती है, आजाद कर देती है, तो किस तरीके से वो पूरे शहर में तबाही मचाते हैं वो देखना काफी डरावना इंटरेस्टिंग होता है, और किस तरीके से इसकी एंडिंग होती है। द स्वर्म 2021 में आई थी दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अनऑफिशियल चैनल पे दिख जाएगा, जल्दी से देख लीजिए नहीं तो डिलीट भी हो सकती है। नंबर 4 पर जो मूवी आती है उसका नाम है द नेस्ट। कीड़े मकौड़े जो कॉकरोच के आकार के होते हैं, पता नहीं क्या नाम रहता है उनका, वो पूरे शहर में दोस्तों फैल जाते हैं और लोगों को खाने लगते हैं। लोग किस तरीके से उससे निपटते हैं, किस तरीके से उनको खाते हैं और किस तरीके से उनका अंत होता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। नंबर 3 पर जो मूवी आती है दोस्तों, 2014 में आई फिल्म का नाम है द बग्स। फिल्म की कहानी दोस्तों समुद्र में से शुरू होती है, जहां एक साइंटिस्ट बग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है प्रोटीन के लिए, लेकिन वो बग्स वहां से बहुत ज़्यादा संख्या में निकल जाते हैं और एक बड़ा बग्स निकलता है और छोटे बग्स शहर की तरफ निकल जाते हैं दोस्तों, और शहर के लोगों को खाना शुरू कर देते हैं, और ये रुकता नहीं है और किस तरीके से रुकेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। काफ़ी ऐसे मोमेंट है जहां आपको घिन आएगी, ऐसा लगेगा कि मूवी बंद कर दूं, लेकिन देखना काफी अच्छा भी लगता है। नंबर 2 पर जो मूवी आती है दोस्तों, उस मूवी का नाम है क्रिएचर इनसाइड माय एनस। एक कीड़ा जो अजीब दिखता है, अजीब तरीके से व्यवहार करता है, वो हीरो के पिछवाड़े में, जी हाँ दोस्तों, एनस में घुसा रहता है, वो कभी कभी निकलता है, और जो हीरो का दुश्मन रहता है, जिससे हीरो की लड़ाई होती है, जो उसका दुश्मन रहता है उससे वो बदला लेता हुआ नजर आता है, निकलता है, खून करता है और वापस घुस जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिली थी दोस्तों, आखिरकार क्यों होता है ऐसा, ये देखना इंटरेस्टिंग में, और खासकर इसका क्लाइमेक्स जो है वो आपको चौंका देगा। नंबर 1 पर जो मूवी आती है दोस्तों, वन ऑफ माय फेवरेट, कॉकरोच डिजास्टर। जी हाँ, अगर आप कॉकरोच से रियल जिंदगी में डरते हैं, लेकिन अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको कॉकरोच से एक तरीके से नफरत भी होगा और एक तरीके से मूवी देखना पसंद भी करेंगे। इसकी कहानी दोस्तों दिखाई जाती है, एक साइंटिस्ट जो कॉकरोच को डेवलप करता है, जी हाँ, एक तरीके से कॉकरोच का रोबोट बनाता है, और वो ऐसा इसलिए करता है कि दुनिया में जितने भी कचरे हैं, कूड़े कबारे हैं, उनको खाने का काम करती है, और ऐसा करता भी है। साइंटिस्ट सही तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उनकी संख्या इतनी बढ़ती रहती है कि लैब बेकाबू हो जाता है और सारे कॉकरोच शहर की ओर बढ़ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तो किस तरीके से उनका अंत होगा, किस तरीके से हीरो उन सारे कॉकरोचों को मारेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो ये थी दोस्तों कीड़े मकोड़ों के कॉन्सेप्ट पर टॉप 5 फिल्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बात और, ये सारी मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, जल्दी से देख लीजिए नहीं तो अनऑफिशियल चैनल पे डाला है, डिलीट भी हो सकती है।